भोपाल का बड़ा तालाब अब मात्र 3.70 फीट खाली रह गया है। हाल ही में तालाब का पानी का लेवल 1663.10 फीट पर पहुंच चुका है, जबकि फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट है। पिछले दो दिनों में तालाब के लेवल में 0.70 फीट की बढ़ोतरी देखी गई है और बुधवार सुबह भी पानी की आमद जारी है। भोपाल में मानसून की शुरुआत 22 जून को हुई थी। सीजन में अब तक 18.7 इंच बारिश हो चुकी है, जो सीजन का 50% कोटा पूरा करती है। तालाब के जलस्तर में इस सीजन में 5 फीट की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 दिन से कोलांस नदी में 8 से 11 फीट के बीच पानी बह रहा है और सीहोर में हुई बारिश के कारण पानी की आवक बढ़ी है। बड़े तालाब में 35% पानी कोलांस नदी से और 65% पानी कैचमेंट एरिया से आता है। 21 जून को कैचमेंट एरिया में 123.4 मिमी और सीहोर में 100 मिमी से ज्यादा बारिश हुई थी। इससे तालाब के जलस्तर में वृद्धि हुई है। जब बड़े तालाब का लेवल फुल हो जाएगा तब भदभदा डैम के गेट खोले जाएंगे। इसके बाद कालियासोत डैम के गेट भी खोले जाएंगे। कोलांस, बड़ा तालाब, भदभदा और कालियासोत डैम एक दूसरे से जुड़े हैं। भोपाल की जुलाई महीने की एवरेज बारिश 14.4 इंच है और 1 से 23 जुलाई तक 12 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है और जुलाई का कोटा पूरा होने में अब लगभग 2.4 इंच पानी की जरूरत है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में तेज बारिश का ट्रेंड जारी रहेगा। भोपाल में इस साल सामान्य से 106% बारिश होने का अनुमान है। जुलाई में 41 इंच बारिश का ओवरऑल रिकॉर्ड 1986 में दर्ज हुआ था और 22 जुलाई 1973 को 24 घंटे में 11 इंच बारिश हुई थी। इस बार के मानसून ने राजधानी को राहत दी है और तालाब की स्थिति सुधर रही है। तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है, जो आने वाले दिनों में जलस्तर को और बेहतर कर सकता है।